लॉन्ग लिव द थ्रिल, ये कह रहा है बजाज ऑटो हमारे इंडियन कम्यूटर्स को। कैसे? बिकॉज दे हैव लॉन्च द पल्सर 125 हियर इन द इंडियन मार्केट। अब 125 सीसी के सेगमेंट में पल्सर ब्रांड सबसे पहली बार आ रहा है। इसके पहले बजाज ने पल्सर 135 जरूर लॉन्च की थी, बट दैट लुक अ लॉट डिफरेंट कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ पल्सर मोटरसाइकिल्स। ये जो पल्सर 125 अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ये पूरी तरीके से पल्सर 150 के जैसे ही दिखती है, एंड इट शेयर्स एवरीथिंग विद द पल्सर 150 एक्सेप्ट फॉर द इंजन। अब अगर इंजन की बात करें, काफी लोगों को ये लगेगा कि ये जो 125 सीसी की इंजन है, इट इज द सेम एज द डिस्कवर 125। लेकिन बजाज ऑटो ने हमें ये बताया है, ये जो इंजन है, इट इज अ डाउनसाइज्ड वर्जन ऑफ द 150 सीसी पल्सर। ये एक शॉर्टर स्ट्रोक वाला मोटर है, दिस इज एयर कूल्ड एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टू द डिस्कवर 125। अब अगर इस मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो इस बजाज पल्सर 125 में आपको मिलता है एक 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मोटर, जो प्रोड्यूस करता है 12 पीएस की पावर 8500 आरपीएम पे और 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क 6500 आरपीएम पे। इसके साथ आपको एक 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 140 किलोग्राम। इस बाइक में आपको फ्रंट पे एक डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर पे आपको एक ड्रम ब्रेक मिलता है, एंड यू हैव CBS टेक्नोलॉजी हियर ऑन दिस मोटरसाइकिल। इस बाइक पे आपको ABS नहीं मिलता है, क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट का नॉर्म है कि इनमें CBS होना चाहिए। जो 150 सीसी क्लास की बाइक्स है, 125 सीसी प्लस जो बाइक्स हैं, उनमें ABS जरूरी है। ये ऑब्वियसली 124.4 है। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे टिपिकल फैशन में। इस बाइक की NVH जेन्युइनली काफी अच्छी है। जब आप ये बाइक चलाना शुरू करते हो, इट फील्स वेरी नाइस। सालों से बजाज पल्सर इंडियन मार्केट में है। हमें पहले शायद ये लगता था कि पल्सर बाइक्स में थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं, थोड़ी बहुत इंडक्शन नॉइज आपको ज्यादा सुनाई देती है कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, बट इतने सालों में ये इंजन जो है, बजाज की सारी ही इंजन जो है, वो काफी अच्छे से इवॉल्व हुई है। एंड दिस बाइक द पल्सर 125 डज फील वेरी नाइस एंड स्मूथ। तो जब आप ये बाइक एक कम्यूटर बाइक के हिसाब से खरीदना चाहते हो, तो ये मोटरसाइकिल जो है वो आपको निराश नहीं करेगी। ओवरऑल स्मूथनेस जो है वो काफी अच्छा है। तो 125 सीसी सेगमेंट में जो यूजर होते हैं, वो लगभग बाइक चलाते हैं 60 से 70 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पे, और उस स्पीड पे ये बाइक काफी आसानी से पूरे दिन चलते रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हायर स्पीड्स पे जाना चाहते हो, तो ये बाइक जो है लगभग 100 के ऊपर की स्पीड अचीव कर सकती है। हल्का हल्का बस आपको 80-85 के स्पीड के बाद फील होगा ऑन द पेग्स एंड ऑन द सीट, लेकिन उससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑब्वियसली ये एक 125 सीसी के इंजन है, तो जब आप इसे हायर स्पीड पे चलाओगे, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस तो आने ही वाले हैं, उसमें कोई कंप्लेंट करने जैसी बात नहीं है। ओवरऑल अगर माइलेज की बात करें, तो ये बाइक जो है वो आपको लगभग 50 के एमपीएल का माइलेज डिलीवर करेगी। 45 टू 50 का रियलिस्टिक माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 125 सीसी कम्यूटर बाइक से शायद आपको कम लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलता है, वो 125 सीसी के बोरिंग कम्यूटर बाइक से काफी ज्यादा है। अब इस बाइक की खासियत यह है कि इसके सारे ही कंपोनेंट्स जो है वो 150 सीसी मॉडल के साथ शेयर्ड हैं। तो सस्पेंशन इज द सेम, द स्विंग आर्म इज द सेम, व्हील्स आर द सेम, टायर्स आर द सेम, सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू ऐड टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी। बाइक का वजन जब ज्यादा होता है, तो जब आप हायर स्पीड्स पे चलाते हो, बाइक और ग्राउंडेड आपको फील होती है, और उसकी वजह से आपको जब आप डायरेक्शन चेंजेस करते हो, जब आप बाइक के इनपुट्स देते हो टू लेफ्ट और राइट, तभी आपको ये ज्यादा स्टेबल फील होगी, हल्की महसूस नहीं होगी। उसकी वजह से आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा इस बाइक को चलाने में, टू राइड इट मे बी फास्ट, या अगर आपको एक घाट रोड में इसके साथ मजे लेने हैं ऑन दिस मोटरसाइकिल, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू विल लाइक विद दिस पल्सर 125। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताया कि आपको इसमें CBS मिलता है। यहाँ पे इसका CBS मॉड्यूल ब्रेक लीवर के पीछे, फ्रंट ब्रेक लीवर के पीछे रखा गया है, पोजिशन किया गया है। CBS इस तरीके से फंक्शन करता है कि जब आप रेयर ब्रेक अप्लाई करते हो, 60-40 स्प्लिट मिलता है आपको ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 60 तक का जो ब्रेक फोर्स है वो रेयर व्हील पे लग जाती है, 40% जो है वो फ्रंट व्हील पे लग जाती है, उसकी वजह से आप एक सेफ हॉल्ट पे आ सकते हो। बैक विद दीज MRF ट्यूबलेस टायर्स, आपको काफी अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है। इस सेगमेंट में जितनी पावर ये बाइक आपको डिलीवर करेगी, जितना परफॉर्मेंस इस बाइक को आपको डिलीवर करना है, जितनी आपको तेज ये बाइक चलानी है और जितनी इसकी कैपेबिलिटी है, उसके लिए ये टायर्स काफी डिसेंट हैं। आज हम पुणे में आए थे और यहाँ पे काफी बारिश भी हो रही थी। लकीली वी गॉट सम टाइम टू शूट विदाउट द रेन, बट द रोड्स वर वेट, और गीले रास्तों पे भी टायर्स पे हमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, हमें बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं हुई।
These tires offer good amounts of grip. Gearbox की अगर बात करें तो एक 5 speed का gearbox मिलता है. Gearbox is good enough. Overall, इसमें आपको कोई भी problem नहीं आने वाले हैं. It shifts quite decent. It is not the smoothest gearbox in the shift quality. लेकिन ठीक ठाक है. At this price, there is nothing really too much to complain about. अब बात करते हैं overall performance की of this Bajaj Pulsar 125. जब ये bike आप city में चलाओगे, जब आप एकदम आराम से इस पे commute करना चाहते हो, तो फिफ्थ गियर में आप इसकी स्पीड जो है लगभग 40 तक ड्रॉप करा सकते हो और बाइक जो है वो कंफर्टेबली क्रूज करते रहेगी इनसाइड द सिटी. इसमें आपको ज्यादा माइलेज भी मिलते रहेगा. जब आप हाईवे पे चला रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 100 की स्पीड ये बाइक अचीव कर सकती है. जरूर इसको टाइम लगता है 100 की स्पीड अचीव करने के लिए, क्योंकि एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल है. बट देन द परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स जो 85 से 90 की स्पीड पे मैक्स आउट हो जाते हैं इस 125 सीसी के सेगमेंट में. ये पल्सर 125 जो है, इट इज अ लिटिल मोर पावरफुल, दैट इज व्हाई इट कैन अचीव अ लिटिल मोर स्पीड. तो वो आपको खुश रखेगा जस्ट इन केस आप किसी और 125 सीसी ग्रुप में राइड करना चाहते हो या आपके दोस्तों के पास कोई और 125 सीसी बाइक है, तो ये जो आपकी पल्सर 125 होगी ये ज्यादा तेज जा सकेगी. लेकिन जब आप घाट रोड्स पे चलाते हो, समझिए कि अगर आप एक पिलियन के साथ किसी घाट पे चला रहे हो, तभी आपको ये 125 सीसी की बाइक है ये जरूर महसूस होगा. आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर जो है इनिशियली पिकअप के लिए जरूर एंगेज करना पड़ेगा. अगर ग्रेडियंट जो है, अगर स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, बाइक जो है 125 सीसी की है, तो उसके लिए आपको गियरबॉक्स पे जरूर मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू कीप द बाइक इन इट्स पावर बैंड. तो लगभग 4000 से 5000 आरपीएम के बीच में आपको इस बाइक के इंजन को रखना पड़ेगा टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि अदरवाइज आपको ऐसे लगेगा कि बाइक जो है वो स्पीड ड्रॉप कर रही है. बट दैट इज बिकॉज दिस इज अ स्मॉलर कैपेसिटी इंजन. तो उस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है कि आप जब ये पल्सर 125 खरीदते हो, आपको ये जरूर नोट करना है कि ये 125 सीसी की बाइक है. यस, दिस इज अ पल्सर, सो इट कैन गो फास्टर व्हेन यू आर आउट ऑन द हाईवेज. लेकिन ओवरऑल बेसिक नेचर जो है 125 सीसी के हिसाब का ही है. सो दैट इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग अ मिक्स्ड पैकेज. सस्पेंशन और राइड क्वालिटी जो है वो भी टिपिकल पल्सर है. इसमें सस्पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं कम्पेयर टू द 150 सीसी मॉडल. बाइक जो है काफी स्टेबल है, राइड क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है. इट वुड हैव बीन अ लिटिल मोर सॉफ्टर अगर आपको एक टिपिकल 125 सीसी की कम्यूटर चाहिए. कम्यूटर क्लास के हिसाब से, कम्यूटर 125 सीसी के हिसाब से थोड़ा आपको फर्म फील होगा इसका सस्पेंशन सेटअप. बट वो इसलिए किया गया है बिकॉज इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस है, तो आप इसे ज्यादा तेज चला सकते हो. एंड फॉर दैट अ स्टिफर सस्पेंशन, अ स्लाइटली स्टिफर सस्पेंशन गिव्स यू बेटर राइडिंग डायनामिक्स. सो दैट्स अबाउट इट ऑन द बजाज पल्सर 125 इन द राइडिंग डायनामिक्स. मुझे ये बाइक काफी डिसेंट लगी इन द प्राइस रेंज दैट दिस सिट्स. अब ये इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि बजाज ने अभी जब अपनी पल्सर 150 में ABS दिया है बिकॉज इट इज मैंडेटरी, तो प्राइस गैप जो है वो काफी बढ़ गई थी. बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवर 125 सीरीज में और पल्सर 150 सीरीज के बीच में काफी अच्छा गैप हो गया था. एंड दिस पल्सर 125 सिट्स इन दैट गैप वेरी नाइसली. तो अब लोगों को एक सस्ती पल्सर मोटरसाइकिल खरीदने का ऑप्शन मिल जाता है. एंड इट लुक्स वेल टिपिकल पल्सर, तो ये काफी लोगों को सालों से पसंद आ रही है. एंड इवन आई थिंक दिस बाइक हैज एज रियली वेल. अगले साल से आप न्यू जनरेशन ऑफ पल्सर जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो जब BS6 नॉर्म्स किक इन हो जाएंगे. नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को. हमें जरूर बताइए क्या लगता है आपको इस पल्सर 125 के बारे में. क्या ये आप खरीदना पसंद करोगे? क्या ये मोटरसाइकिल आपको अच्छी लगी? क्या आपको इसकी प्राइसिंग सही लगती है कंपेयर टू अदर 125 सीसी बाइक? दूसरे बाइक्स की अगर बात करें, कॉम्पिटिशन की बात करें, तो बजाज की खुद की डिस्कवर 125 भी आप खरीद सकते हो. आप होंडा की शाइन मोटरसाइकिल खरीद सकते हो. हीरो मोटोकॉर्प जो है वो ग्लैमर भी इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं. गुड बाय, राइड सेफ एंड Always, always wear a helmet.